अब अलग अलग काम के लिए अलग अलग ऐप नहीं, हर दुकानदार की बस एक ही ऐप बिग ब्लिस। बिग ब्लिस चुने, केवल 30 सेकंड में अपने स्टोर को दुनिया के सामने लाएं, अपने कारोबार को बढ़ाएं, मुनाफा कमाएं, खुशियां कमाएं। बिग ब्लिस, बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। रुपा जी, देख रहे हैं यहाँ पे कैसे सिर्फ दिसंबर वादा आज भी 6400 के लेवल्स पर ही ट्रेड करता नजर आ रहा है। रुपा जी, कल को हमने कैसे सीड में धीरे धीरे 6500 के लेवल्स आते हुए देखे थे, लेकिन वहाँ पे सस्टेनेबिलिटी कल के दिन भी नहीं देखने को मिली। आपको क्या लगता है, कैसर की एक्सपोर्ट डिमांड होने के बावजूद और रकबा घटने के बावजूद कैसर में तेजी क्यों नहीं बन पा रही है? देखिए, अभी इन लेवल्स के ऊपर बाइंग जो है वो इनिशिएट होते हुए दिखाई नहीं दे रही है। टेक्निकली बाजार एक रेंज में फंसकर रह गया है, 6400 से लेकर 6600 का अपसाइड मैक्सिमम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इससे ज्यादा कोई बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं दिखाई दे रहा। जब तक 6600 के ऊपर नहीं टिकता तब तक इसमें लंबी तेजी नहीं है। फंडामेंटल पॉजिटिव है, इसी वजह से मैंने बोला था कि इस कमोडिटी में हमेशा मतलब जो है डिप पर खरीदारी की तरफ ही रहना चाहिए। आगे तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है और अभी जो है वो रेंज है। और अभी देखिए, दिसंबर में तो एक्सपेक्टेड नहीं है कि बाजारों में कोई बहुत ज्यादा मूवमेंट आती हुई दिखाई दे दिसंबर वायदा में, लेकिन जनवरी वायदा हो सकता है कि 6600 के ऊपर की क्लोजिंग देता हुआ दिखाई दे। जी, ये रूपा जी बात करें अगर बिनौला कल का दिसंबर वायदे में, कल को हमने 2800 के लेवल आते हुए देखे थे, आज देख रहे हैं कि वहां पे सस्टेन नहीं दे हो पाया है और 2769 पर कारोबार करता नजर आ रहा है बिनौला कल का दिसंबर वायदा। आपको क्या लगता है, क्या एक बार फिर से 2800 के लेवल्स देखने को मिलेंगे या फिर यहां से बाजार अभी और टूट सकता है? देखिए, अभी इसमें 2800 के लेवल एक्सपेक्टेड है कि देखने को मिल सकते हैं। इनफैक्ट मुझे तो 3000 तक के स्तरों का भी एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट में 3000 तक भी बाजार जाता हुआ दिखाई दे सकता है। जो भी डिप आ रही है, इस डिप के अंदर बाइंग की ही रणनीति होनी चाहिए, इसमें तेजी का ही रुझान है। आज इंट्राडे में 2740 तक एक बार लुढ़कता हुआ दिसंबर वायदा दिखाई दे सकता है, लेकिन जो भी फ्रेश पोजिशन बनाए जनवरी वायदा में बाइंग करके चलना चाहिए। जी, ये सर रूपा जी बात करें अगर मसालों की, तो मसालों में देख रहे हैं कि जो धनिया हमने 8300 से 8500 की रेंज में ट्रेड होता हुआ देखा था, आज देख रहे हैं 8700 के स्तर पर कारोबार करता नजर आ रहा है और 8852 का हाई लगा चुका है। रूपा जी, देख रहे हैं धनिया में अचानक से उछाल देखने को मिला है, हालांकि कल भी हमने तेजी बनती देखी थी, लेकिन कल के मुकाबले आज कुछ ज़्यादा ही तेजी देखने को मिल रही है एक बार फिर से धनिया के अंदर। आपको क्या लगता है, क्या धनिया में ये तेजी बनी है अचानक से, क्या यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी देखने को मिलेगी, क्या एक बार फिर से धनिया 9000 के पार जाता हुआ नजर आएगा? देखिए, 9000 के पार तो बिल्कुल जा सकता है। अभी जो ओमिक्रॉन की खबरें निकल कर आई थी उसके बाद से सभी कमोडिटीज के अंदर हमने प्रेशर देखने को मिला था, लेकिन वापस से कमोडिटीज संभलती हुई दिखाई दी है और सभी कमोडिटीज में खरीदारी लौटी है। तो मुझे लगता है कि अभी हो सकता है कि आपको धनिया 9000 के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे, क्योंकि डिमांड तो है इन लेवल्स के ऊपर भी। नीचे भी हमने देखा था 8500 के आसपास सस्टेन करता हुआ दिखाई दिया है, तो अभी वापस से तेजी में है और 9000 का स्तर बिल्कुल संभव है कि इसमें हो सकता है आपको आज के कारोबार में या कल के कारोबारी सत्र में ही देखने को मिल जाए। रूपा जी, जहां पे हमने धनिया में तेजी आते हुए देखी है आज, वहीं जीरा और हल्दी में देखने प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। आपको क्या लगता है, क्या धनिया जैसी बढ़त आज जीरे और हल्दी में भी देखने को मिल पाएगी या फिर इनमें और ज्यादा करेक्शन गहराएगी? देखिए अखिलेश, मैं जीरे को लेकर तो पॉजिटिव नहीं हूँ, लेकिन हाँ, हल्दी में एक बार हो सकता है कि डिमांड निकलती हुई दिखाई दे और उसके अंदर तेजी बन जाए, लेकिन फिलहाल जो है धनिया काफी पॉजिटिव है इन दोनों कमोडिटीज के मुकाबले में, और हल्दी भी तेजी की तरफ जा सकती है क्योंकि अप्रैल वायदा की अगर हम बात करें तो उसमें बदला देखें तो बहुत 1000 पॉइंट का डिफरेंस है, तो हल्दी में तेजी आगे अप्रैल वायदा में आगे बनती हुई दिखाई दे सकती है। नजर डालें अगर ग्वार कॉम्प्लेक्स की तरफ, तो ग्वार में हमने कल को 9700 के घरों में ग्वार गम को ट्रेड करते देखा था और 5600-5500 के घरों में ग्वार सीड को, आज देख रहे हैं कि हल्की सी बढ़त बनती नजर आई है, लेकिन लेवल्स भी कोई ज़्यादा खास नहीं है। आपको क्या लगता है, ग्वार में तेजी कब तक देखने को मिल पाएगी, जबकि हम देख रहे हैं कि जो प्रोडक्शन है वो थोड़ा क्या लगभग आधा पिछले साल के मुकाबले आधा ही बताया जा रहा है और एक्सपोर्ट डिमांड भी थोड़ी बहुत देखने को मिल रही है?
देखिए ग्वार में जो तेजी आई थी वो अब कहीं ना कहीं गायब हो चुकी है और वापस से हमने एक अच्छी खासी करेक्शन आते हुए देखी है। अब निचले स्तरों पर एक बार फिर से संभल रहा है ग्वार। अगर देखिए 10,000 के ऊपर सस्टेन करता है तो डेफिनेटली तेजी के अंदर जा सकता है। दिसंबर वायदा आज भी अच्छी खासी रैली दिखाई है इसने कल की गिरावट के बाद, तो आज एक्सपेक्टेड है कि मार्केट में तेजी बन सकती है और ग्वार में अब यहां से एक बार फिर से बाइंग इनिशिएट हो सकती है। इंट्राडे प्रोस्पेक्ट से भी इसमें इन लेवल्स के ऊपर बाइंग किया जा सकता है। आगे चल के मुझे लगता है कि अगर अब ये 10,000 के ऊपर निकल गया दिसंबर वायदा तो फिर लंबी तेजी में जा सकता है, लेकिन वहीं नीचे में 9500 का लेवल है, अगर उसके नीचे सस्टेन होता है तो फिर गिरावट भी बढ़ सकती है। वहीं जनवरी वायदा की बात करें तो जनवरी वायदा में 9800 के नीचे अगर लुढ़कता है तो गिरावट ज्यादा आ सकती है और 10,200 के ऊपर सस्टेन करता है तो पॉजिटिव है। तो यानी कि इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से आज खरीदारी करके चला जा सकता है। ये लेवल्स हैं, अगर इन लेवल्स के ऊपर की सस्टेनेबिलिटी आती है तो वापस से पॉजिटिव मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे सकता है। जी बात करें अगर सोयाबीन की, तो सोयाबीन में कल के कारोबारी सत्र में हमने काफी लेवल्स आते हुए देखे थे। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन जो लेवल्स थे 6800 के पार जाते हुए नजर आए थे, अच्छी रैली निकली थी। आज देख रहे हैं 6500 के घरों में ट्रेड करती नजर आ रही, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। आपको क्या लगता है, क्या प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी और गहरा सकती है या फिर यहाँ से आज इंट्राडे में एक बार फिर से बाइंग इनिशिएट हो जाएगी? देखिए ओवरऑल ट्रेंड तो पॉजिटिव है, इसके अंदर मोमेंटम पॉजिटिव है। आज इंट्राडे में थोड़ा सा गहराता हुआ दिखाई दे सकता है मार्केट, क्योंकि अच्छी खासी करेक्शन दिखा रहा है। दिसंबर वायदा 6400 का नीचे ऑलरेडी लो लगा चुका है। देखिए आप काफी जो है डिफरेंस देखने को मिला है, हाई 6673 का, काफी वोलेटिलिटी और अभी 6535 पर सस्टेन है। तो मार्केट जो है 100 पॉइंट 150 पॉइंट ऊपर का हाई लगा के और 150 पॉइंट नीचे का लो लगा के और सेंटर में मिड खड़ा है मार्केट। दिसंबर वायदा सेम एज इट इज जनवरी वायदा में भी काफी उठापटक देखने को मिली है, तो अभी नीचे है मार्केट, थोड़ा सा करेक्शन आ सकती है। वही 6400 के आसपास वापस से बाइंग इनिशिएट होती हुई नजर आ सकती है। ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है, हर डिप पर इसमें बाइंग करके चला जा सकता है। जी तो यानी कि सोयाबीन में अभी थोड़ी निचले स्तर भी देखने को मिल सकते हैं, लेकिन डिप पे खरीदारी की सलाह दी गई है रूपा जी के अनुसार। ये से रूपा जी बात करें अगर रिफाइंड सोया तेल की और सीपीओ की, तो सर्दियों में देखते हैं कि जमने वाले तेल की जो डिमांड है वो थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन शादी सीजन भी है तो रिफाइंड सोया तेल की डिमांड ठीक ठाक है। ऐसे में आपको क्या लगता है, सीपीओ की और रिफाइंड सोया तेल की डिमांड जो सीपीओ की कम देखने को मिली है और रिफाइंड सोया तेल की जो ज़्यादा देखने को मिल रही है, ऐसे में इन दोनों की कीमतें आगे कहाँ तक जा सकती हैं? देखिए जहां तक रिफाइंड सोयाबीन ऑयल की बात है तो अखिलेश 1220, जैसे कि टेक्निकली मैंने कल भी बताया था कि 1220 तक मार्केट एक बार ऊपर सस्टेन कर सकता है। अब 1220 के ऊपर आप मान के चलिए कि 1240 से 1260 की रेंज बन सकती है, वहीं नीचे में 1180 से 1160 है। तो फिलहाल ये रेंज मार्केट के अंदर बनती हुई दिखाई दे रही है। जैसे कि हम सोयाबीन में और सरसों में तेजी देख रहे हैं, उसका असर देखने को मिल रहा है और सीपीओ में भी तेजी आई है कल के मुकाबले देखा जाए तो आज सीपीओ भी पॉजिटिव है और सीपीओ के अंदर भी तेजी देखने को मिल रही है। तो सीपीओ भी ऊपर में 1140 तक जा सकता है, यानी कि अब एक बार फिर से ट्रेंड जो है एडिबल ऑयल का पॉजिटिव बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सभी खाद्य तेलों में खरीदारी देखने को आने वाले दिनों में मिल सकती है। ईश्वरपा जी बात करें अगर कपास की, तो कपास में आपको क्या लगता है, कपास में कैसे रुझान रहेगा, क्योंकि हमने देखा है कि हाल ही में हुई बारिश ने कपास उत्पादकों की जो चिंता है एक बार फिर से बढ़ा दी है और पहले से ही हम पिंक बॉल वॉर्म आर्मी का प्रकोप कपास की फसल पर देख चुके हैं और अब ऊपर से बारिश भी होती हुई नज़र आ रही है। एक तरफ तो डिमांड है घरेलू स्तर की और इंटरनेशनल की भी, वहीं पे दूसरा आवक भी हो रही है और बारिश भी, ऐसे में कपास का रुझान कैसा देखने को मिल पाएगा? देखिए रुझान तो कपास के अंदर पॉजिटिव है, फंडामेंटल देखे तो पॉजिटिव है, टेक्निकली भी बाजार स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है, तो अभी ट्रेंड पॉजिटिव ही दिखाई दे रहा है। मैं वायदा की अगर बात करूं तो 32,000 तक हम इसको जाता हुआ कॉटन को ऊपर में देख सकते हैं और उसका इंपैक्ट जो है वो पॉजिटिव है और हाजिर मंडियों में भी मुझे लगता है कि 9,000 के ऊपर एक बार मार्केट सस्टेन करता हुआ दिखाई दे सकता है। रूपा जी कुछ दर्शक जुड़े हैं हमारे साथ जिनका सवाल लगातार सोयाबीन को लेकर आ रहा है, ये जानना चाह रहे हैं सोयाबीन में अभी और कितनी मंदी आ सकती है? देखिए मंदी अभी जो है, देखिए मंदी का मतलब ये है कि वो सस्टेन करेगा या नहीं। अब देखिए आज भी हमने देखा 6400 के स्तरों को टच करके वापस से मार्केट जो है वो 6500 के ऊपर सस्टेन कर गया। गिरावट देखिए कितनी भी बढ़ सकती है इसके अंदर और अभी नीचे में 6400 से 6380 फिलहाल लेवल दिखाई दे रहा है कि इन लेवल्स तक मार्केट एक बार डाउनसाइड में जा सकता है। जी
रूपा जी, दर्शक जुड़े हुए हैं मोनू जैन जी, जिनका सवाल सरसों को लेकर आ रहा है, ये जानना चाह रहे हैं कि सरसों में क्या करके चले। देखिए, सरसों में अभी शॉर्ट टर्म आउटलुक पॉजिटिव ही है, नई अराइवल्स आने पर प्रेशर बनेगा, लेकिन अभी सभी तेलों में एक बार फिलहाल तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है। जी रूपा जी, शिव कुमार पटेल जी जुड़े हुए हैं, जिनका सवाल चने को लेकर आ रही है, चने के बारे में जानना चाह रहे हैं, अभी चने में हाल फिलहाल में कितनी मंदी तेजी रहेगी और आगे क्या करके चलना सही रहेगा। देखिए, चने में और दालों में अभी दबाव है, इनमें फिलहाल तेजी बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है, मेरे हिसाब से तो इनके अंदर आगे चलकर प्रेशर जो है वो कंटिन्यूशन में बनता हुआ दिखाई दे सकता है और बाजारों में गिरावट गहरा सकती है। जी रूपा जी, भद्र गोदारा जी हैं, जिनका सवाल बिनौला खल को लेकर आ रहा है, इनका सवाल है कि क्या कोरोना की वजह से बिनौला खल एक बार फिर से नीचे जाने की संभावना है क्या, और बिनौला खल में स्टॉक करके कब चला जा सकता है। देखिए, कुक्कुट में नीचे बहुत ज्यादा गिरावट की एक्सपेक्टेशन नहीं है, अगर यहाँ से मान लीजिए 50 से 100 रुपए की करेक्शन आती भी है तो वो लेवल्स अट्रैक्टिव होंगे बाइंग करने के लिए। अभी हमें देखने को मिल रहा है 250 के अराउंड है, और जनवरी वायदा की मैं बात करूँ तो उसमें बाइंग की रिकमेंडेशन रहेगी, आप उसमें अगर 50 से 100 रुपए का करेक्शन आता है यानी 2700 के आसपास भाव आते हैं तो वहां पर बाइंग करके चला जा सकता है। जी रूपा जी, कुछ दर्शक भी जुड़े हैं जिनका सवाल लगातार चावल को लेकर आ रहा है। रूपा जी, हम देख रहे हैं कि भारतीय कृषि निर्यात में लगातार एक के बाद एक बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, खबरें निकल के सामने आई हैं कि भारत के कृषि निर्यात में और जो प्रोसेस्ड फूड का जो प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, फूड्स हैं, उनके निर्यात में ज़्यादा तेजी देखने को मिली है और चावल का भी इसमें काफ़ी अहम योगदान देखने को मिला है। रूपा जी, लगातार देख रहे हैं जो चावल हैं, अब भारतीय चावल विदेशों में भी काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जा रहा है क्योंकि अब पेस्टिसाइड्स भी चावल के अंदर कमी कर दी हैं, ऐसे में आपको क्या लगता है, चावलों का बाजार आगे मंदी में रहेगा या तेजी में? देखिए, अभी फिलहाल पॉजिटिव है मार्केट, तो अभी थोड़ा सा डिमांड पिकअप होते हुए दिखाई दिए हैं, पिछले काफी टाइम के बाद जो है एक रौनक आई है चावल के बाजार में और प्राइसेस तेज जाते हुए दिखाई दिए हैं, तो अभी फिलहाल पॉजिटिव है रुझान और आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि थोड़ा सा और बाजारों में तेजी देखने को मिल सकती है। जी रूपा जी, दर्शक हैं हमारे साथ जुड़े हुए बाबूलाल शर्मा जी, जिनका सवाल ग्वार को लेकर आ रहा है, ये आपसे जानना चाह रहे हैं ग्वार ऊपर में कितना जा सकता है और नीचे में कहां तक जा सकता है। देखिए, ऊपर में कितना जा सकता है ये कहना मुश्किल है, क्योंकि अगर इसमें तेजी बनी और ट्रेडर्स एक्टिव हुए और इसके अंदर बाइंग आई तो कोई बड़ी बात नहीं होगी कि ये 13,000-15,000 के भी स्तर छू दे ग्वार, और वहीं के नीचे की बात करें तो नीचे के स्तर 8,000 तक भी इसके लुढ़कते हुए दिखाई दे सकते हैं। डिपेंड करता है कि किस तरीके की वॉलेटिलिटी अभी इसके अंदर मार्केट के अंदर देखने को मिलती है। अभी जैसे हमने क्रूड में जबरदस्त गिरावट आते हुए देखी थी तो उसके बाद ग्वार में भी जबरदस्त करेक्शन आई, और अब क्रूड थोड़ा संभला तो ग्वार भी संभलती हुई दिखाई दे रही है, इसको इससे कोरिलेट करके देखा जा रहा है। और दूसरा, यहाँ पर अभी ट्रेडर्स जो है पहले जो एडिबल ऑयल के अंदर बाइंग करते दिखाई दे रहे थे, जब एडिबल ऑयल के अंदर से पोजीशन निकली तो ग्वार के अंदर एक्टिविटी देखने को मिली, तो ये अभी फिलहाल दोनों ही कमोडिटी ऐसी हैं जिसके अंदर काफी वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है। तो नीचे के लेवल्स की बात करें तो हमें लगता है कि 8,000 और ऊपर में 12,000 से 13,000 की तेजी जो है अभी फिलहाल अगर यहाँ से बनती है वापिस से तो 13,000 तक एक बार मार्केट ऊपर जाता हुआ दिखाई दे सकता है। जी दर्शक हैं हमारे साथ विक्की केशरी जी, जिनका सवाल सरसों को लेकर आ रहा है, सरसों में क्या करना चाहिए। विक्की जी, सरसों में जब तक नई अराइवल्स नहीं आती, नई आवकें मंडियों में नहीं आ जाती है, तब तक जो छुटमुट तेजी है हल्की फुल्की वो बनती नज़र आती रहेगी, लेकिन जैसे ही मंडियों में नई आवकें आएंगी तो इसकी जो कीमतें हैं वो उनमें कुछ नरमी देखने को मिल सकती है, क्योंकि इस बार उत्पादन लगभग 2 गुना होने का बताया जा रहा है, क्योंकि सरसों के इस बार किसानों को काफ़ी अच्छे दाम मिले थे, लगभग 2 MSP से 2 गुना तक भाव मिलते नज़र आए थे सरसों के किसानों को, जिसकी वजह से सरसों किसानों ने सरसों की बुआई का रकबा बढ़ा दिया है, और जो किसान सरसों नहीं भी उगाते थे इस बार उन्होंने भी अनाजों को, धान को छोड़कर सरसों की बुआई को चुना है और सरसों का रकबा बढ़ाने में किसानों का साथ दिया है। तो जब मंडियों में नई अराइवल्स आ जाएंगी, आवकों का प्रेशर रहेगा, तो कीमतों में नरमी बनती जरूर आएगी। अरुण पटेल जी है, जिनका सवाल सोयाबीन को है लेकर आ रहा है, सोयाबीन का आगे क्या होगा। अरुण पटेल जी, सोयाबीन में आगे तेजी ही देखने को मिलती रहेगी, सोयाबीन में हालांकि वायदा में उठापटक जारी रहेगी, ऊपरी स्तर से मुनाफा वसूली जरूर बनती नजर आएगी, लेकिन हाजिर में भी अगर आपको अच्छा रेट मिल रहा है तो आप भी उसको बेच सकते हैं, ये आपका फैसला होगा, क्योंकि आगे लॉकडाउन लगेगा या नहीं लगेगा ये इसका किसी को नहीं पता, तो आप हालात देखकर अपने राज्य में जो आपके हालात बन रहे हैं
कोरोना को लेकर, परिस्थितियों को लेकर कोई धाराएं लागू हो रही है नहीं हो रही, आपको फसल का क्या रेट मिल रहा है, आप उसके अनुसार अपना फैसला ले सकते हैं। ओवरऑल रुझान सोयाबीन में आगे तेजी का ही रहेगा। रूपा जी, यहीं से बात करें मेंथा की, तो मेंथा के कुछ दर्शक हैं जो मेंथा के बारे में जानना चाह रहे हैं, आज इंट्राडे में मेंथा के क्या लेवल्स रहेंगे आपकी तरफ से? मेंथा के अंदर अभी अगर हम स्ट्रेटेजी की बात करें तो इसके अंदर अभी फिलहाल बहुत ज्यादा कोई मूवमेंट एक्सपेक्टेड नहीं है। लगातार हम इसके अंदर जो है बाजारों के अंदर प्रेशर आता हुआ ही हमने देखा है ये कमोडिटी, और अभी भी फिलहाल मुझे लगता है कि इसके अंदर दबाव जो है वो बना रह सकता है। लेकिन फिर भी अगर स्ट्रेटेजी की बात करें तो स्ट्रेटेजी जो है नीचे में डाउनसाइड ही दिखाई दे रहा है 920 तक। आज इंट्राडे में भी ऊपर में 960 और नीचे में 920, तो आई थिंक अभी इसमें बिकवाली की तरफ जाया जा सकता है 960 का स्टॉप लॉस लगाकर। जी रूपा जी, दर्शक जुड़े हुए हैं रिंकू मीना जी, जिनका सवाल मस्टर्ड को लेकर आ रहा है, ये जानना चाह रहे हैं मस्टर्ड को कब निकालें, यानी कि सेल करके कब चलें। रूपा जी, जैसे इस बार खबरें हैं कि नई आवकें होंगी वो ज्यादा रह सकती है, इस बार बम्पर उत्पादन होने का अनुमान लगाया जा रहा है, तो क्या ऐसे में अगर किसानों को अभी मौजूदा समय में अच्छा रेट मिल रहा है 8,000-9,000 का, अगर उस पर बिकवाली की जाए तो क्या सही रहेगा? देखिए बिल्कुल, थोड़ा थोड़ा करके आप माल को जो है वो लिक्विडेट कर सकते हैं क्योंकि प्राइजेस अच्छे हैं, और अभी थोड़ा बहुत और अपसाइड आ सकता है, तो इन लेवल्स के ऊपर भी थोड़ा बहुत लिक्विडेट करके चला जा सकता है। जी रूपा जी, आखिरी सवाल रहेगा मेरा आपसे, वो आज कौन सी कृषि फसल होंगी जिनमें आज अच्छा मुनाफा कमा के चला जा सकता है? देखिए अगर एग्री कमोडिटीज के अंदर आज इंट्राडे की बात करें तो इंट्राडे के अंदर आज मुझे लग रहा है कि एक बार धनिया और ग्वार ये दोनों अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखाई दे सकते हैं। आज धनिया जो है एक बार दिसंबर वायदा हो सकता है आपको 8,860-8,880 तक ऊपर जाता हुआ दिखाई दे, धनिया में बाइंग किया जा सकता है, और इंट्राडे में ग्वार भी आज पॉजिटिव है, ग्वार के अंदर भी खरीदारी करके चला जा सकता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया रूपा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो जैसे कि रूपा जी ने बताया कि आज के लिए इंट्राडे में खरीदारी के लिए उनकी तरफ से दो टॉपिक्स दिए गए हैं, जो कि पहला है ग्वार, दूसरा धनिया। इन दोनों कृषि जिन्सों में आज आप इंट्राडे में खरीदारी में रह सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा के चल सकते हैं। तो फिलहाल सिलसिला बाजार का मैं अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन आप कहीं जाएगा नहीं क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही बना रहेगा मार्केट एमसीवी पर।